वेल सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर जो है, जो हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं, वो है वॉल्यूम। और इस इंडिकेटर को ना हम इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर पर, जिसका नाम है मूविंग एवरेजेस। और इसको मैं अलग से बाकी इंडिकेटर्स के अलावा इसलिए समझाने वाला हूँ क्योंकि ये एक अपने आप में मतलब पूरा चैप्टर, पूरी किताब है, तो इसलिए इसको अलग से समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस इंडिकेटर पर आए कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कितने टाइप की मूविंग एवरेजेस होती है और किस टाइप से हम इन सब मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करके अपने टेक्निकल चार्ट पर यूज करके जो है प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। बट उससे पहले हमारे को समझना होगा कि ये इंडिकेटर वर्ड क्या होता है। इंडिकेटर वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को जो है इंडिकेट करना। और शेयर मार्केट की भाषा में हम कहें तो ये जो है, अब इसमें आप कोई भी इंडिकेटर उठा लो, चाहे मूविंग एवरेज उठा लेना, चाहे आरएसआई उठा लेना, एमएसीडी उठा लेना, जिस भी टाइप के आप इंडिकेटर उठाओगे ना, उनका काम क्या होता है कि प्राइस की मूवमेंट को देखकर जो है आगे किस टाइप का मूव हमारे को देखने को मिल सकता है, इस चीज को इंडिकेट करना, यानी कि इस चीज को प्रेडिक्ट करना और ट्रेडर्स को बताना कि वो इस हिसाब से यानी कि बाय का ट्रेड ले सके या फिर सेल का ट्रेड ले सके अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन बनने वाली है इंडिकेटर के हिसाब से। अब जो मैंने आप लोगों के सामने एक बात बोली कि ये मार्केट को इंडिकेट करते हैं कि ये कहां पर जा सकते हैं, तो आपने इसमें ध्यान दिया कि मैंने ये कहा कि जा सकते हैं, ना कि ये यहाँ पर जाएंगे। क्योंकि देखो इंडिकेटर जो है हमेशा प्राइस को फॉलो करता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम, प्राइस जो है यानी कि भाव भगवान थे। और प्राइस जो है जब किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का जो भी रेट है ना वो चेंज हो जाएगा ना, ये सारे इंडिकेटर जो है उसी प्राइस को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से अगली मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा काम जो है ना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और प्रिडिक्शन पर ही चलता है। अब सपोज जैसे एबीसी इंडिकेटर ने बताया कि मार्केट ऊपर जा सकती है और अगले दिन मार्केट लुढ़क गई, तो क्या होगा, भाव भगवान छे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और उस टाइम सभी के सभी इंडिकेटर जो है धरे के धरे रह जाएंगे। अब जैसे हमने अभी हाल ही में देखा कि मार्केट जो है अच्छा खासा मूव दिखा रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर हमारे को रशिया और यूक्रेन का वॉर देखने को मिला जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आया, जिसकी वजह से मार्केट लुढ़क गई। और वहां पे हमारे को वहां पर क्या हुआ, सारे इंडिकेटर तो उस टाइम ये बता रहे थे कि भाई इस स्टॉक में बाय कर लो या इस इंडेक्स में बाय कर लो, निफ्टी ऊपर जाएगा, सेंसेक्स ऊपर जाएगा। बट हमारे को एट द एंड क्या देखने को मिला, जैसे ही यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हमारे को नजर आया, मार्केट ने भी उस चीज को डिस्काउंट किया और अगले दिन काफी भारी भरकम तरीके से लुढ़क गई थी। तो फिर अब आप लोग ये सोच रहे होंगे तो यार ये इतने सारे फिर इंडिकेटर का क्या फायदा। देखो दोस्तों, इंडिकेटर किससे बनता है, प्राइस एक्शन से। और प्राइस जो है जब भी चेंज होगा तो जो इंडिकेटर जो है वो उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, यानी कि वो भी उस टाइप से अपने आप को चेंज कर लेगा। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो इंडिकेटर सिलेक्ट किया है। देखो मार्केट में ना आप काफी सारे किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज करोगे ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप उठाओगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे इंडिकेटर जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आप जिस भी इंडिकेटर को पिक कर रहे हो या जिस भी इंडिकेटर को लगाकर उस पर काम कर रहे हो ना, वो कितना सेट बैठता है आप लोगों के लिए और वो कितना एक्यूरेट है, ये सब चीजें जो है आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। अब किसी के लिए आरएसआई का इंडिकेटर जो है वो काफी अच्छा रहता है, काफी सारे लोग जो है आरएसआई इंडिकेटर का यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो आरएसआई इंडिकेटर जो है बिल्कुल बकवास लगता है क्योंकि उससे हमारे को कुछ भी नहीं पता लगता। तो इसी टाइप से किसी के लिए 20 की मूविंग एवरेज जो है काफी अच्छी रहेगी, लेकिन किसी के लिए वही 20 की मूविंग एवरेज जो है बेकार रहेगी, बल्कि उसको जो है 50 की मूविंग एवरेज जो है ज्यादा अच्छी लगने वाली है। तो ये सब चीजें आपके नेचर, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा इंडिकेटर जो है पिक किया है और वो कितना आप लोगों के बिहेवियर के हिसाब से सेट बैठ रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि हर कोई जो है ना सभी इंडिकेटर के ऊपर काम नहीं कर सकता। देखो किसी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि किसी के लिए मूविंग एवरेजेस ज्यादा बढ़िया हो सकते हैं, तो किसी के लिए आरएसआई अच्छे से काम कर सकती है। ये सब चीजें कि आप लोगों के लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट चाहिए, देखो इसके ऊपर ना आपको खुद काम करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद उस चीज को समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इंडिकेटर मेरे लिए मेरे बिहेवियर के हिसाब से सेट बैठता है या नहीं बैठता। तो अब हम इसी के साथ चलते हैं मूविंग एवरेजेस पर। और मूविंग एवरेज को ना हम यूज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी या सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए इसे बिल्कुल एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए कि अशोक लेलैंड के स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है पिछले 5 दिन का, पहले दिन 100 रुपए, दूसरे दिन 103 रुपए, तीसरे दिन 102.5, फोर्थ डे जो था 105 रुपए का, फिफ्थ डे था 104 रुपए का। तो अब आप कैलकुलेट करो कि लास्ट 5 दिन की क्या एवरेज होगी। ऑब्वियस ही बात है, सिंपल है, आपने इस चीज को टोटल जो जितने भी प्राइस है उनको टोटल करना है, 5 दिन की मूविंग एवरेज निकालनी है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल हुआ हमारा 514.50 रुपए, 5 से डिवाइड करा तो हमारी मूविंग एवरेज आ गई यानी कि 102.90 रुपए की। अब
सिक्स्थ डे पर एक नया क्लोजिंग पॉइंट आया और वो था 101.1 रुपए का। तो अब आप मुझे बताओ कि लास्ट 5 डेज की क्या एवरेज होगी। तो अब हम जो लेटेस्ट 5 डेज की एवरेज कैलकुलेट करेंगे वो किस टाइप से करेंगे, तो सबसे पहले तो हम पहला प्राइस यानी कि जो फर्स्ट प्राइस था 100 रुपए का, अब हम इसे यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह अब हमारे को पिछले 5 दिन के देखने हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट डे वाला हट जाएगा और सिक्स्थ डे जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब हमारी जो है नई मूविंग एवरेज आएगी ना, वो होगी 515.6/5, यानी कि अब हमारा आखिरी 5 दिनों का टोटल हो गया 515.60 रुपए का, और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इसमें हमारी मूविंग एवरेज आ गई 103.12 रुपए की। अब सेवंथ डे पर चाहिए, तो अब हमारे को क्या करना होगा, सेकेंड डे को हटाना होगा और सेवंथ डे का प्राइस जो है अब हमारे को ऐड करके उसमें कैलकुलेट करना होगा, एंड सो ऑन, अगर आप आगे के टाइम पे भी करना चाहते हैं तो। अब एक सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है, वो आपको प्राइस चार्ट पर दिखाएगी, एक लाइन सी ड्रॉ होती है जैसे आपको इस चार्ट में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि प्राइस का एवरेज जो है वो किस टाइप से चल रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पर 9 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखा है, तो आप इस लाइन को देख सकते हो कि किस टाइप से ये लाइन जो है मूव कर रही है। अभी ये सिंपल मूविंग एवरेज बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होती है जैसा अभी हमने अशोक लेलैंड का एग्जाम्पल लिया था, तो जैसा उसमें हमने पिछले 5 दिनों की मूविंग एवरेज निकालनी थी, यहाँ पर हमने उसी टाइप से वही फार्मूला यूज करके 9 दिन की मूविंग एवरेज निकाली है। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज क्या इंडिकेट करती है और हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसमें आपको ना काफी सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी मूविंग एवरेज को यूज करने के लिए, जिसे अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट उससे पहले एक बार हम जो है इस मूविंग एवरेज के सेकेंड टाइप को यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी समझते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि ये काम किस टाइप से करती है। चलिए अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो अब आप लोगों के सामने एक टेबल है, फिर से 22 जुलाई को प्राइस था 240.60 रुपए का, क्लोजिंग प्राइस जो था 23 जुलाई को था 241.8, 24 जुलाई को 242.8, 25 जुलाई को 247.9 और 26 जुलाई को 250.2। जब हम इसकी मूविंग एवरेज निकालेंगे तो इसमें क्या हुआ, हमने 26 जुलाई को भी सेम वेटेज दी, 25 को भी उतनी ही दी, 24 को, 23 को, 22 को, यानी कि हमने पांचों दिन को जो है इक्वल वेटेज दी। अब एक टेक्निकल एनालिसिस में ना एक बेसिक असम्पशन होती है जिसमें हम मानते हैं कि मार्केट ना सारा कुछ सबसे पहले डिस्काउंट करके रखती है, तो यानी कि 26 जुलाई को जो हमारे पास रेट आया तो उसमें मार्केट ने पहले से ही जो नोन फैक्ट्स थे उनको भी डिस्काउंट कर रखा था और जो अननोन फैक्ट्स थे उन लोगों उन चीजों को भी उन फैक्ट्स को भी जो था अपने प्राइस में पहले से ही ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा था। तो यानी कि उस हिसाब से हमारे को 26 तारीख को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए, उसके बाद उससे कम वेटेज हमारे को देनी चाहिए 25 तारीख को, एंड सो ऑन, उससे कम हमारे को 24 को, फिर 23 को, फिर 22 का नंबर आता है। अब ये चीज कैलकुलेट करने के लिए ना हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का भी यूज करते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, हमने जो नियरेस्ट डेट होगी ना, नियरेस्ट ट्रेडिंग डे होगा उसको हम ज्यादा वेटेज देंगे, और जो पिछले जो यानी कि फॉर अवे डे होगा ना, यानी कि जैसे हम मान लीजिए इस केस में 5 दिन की मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट डे को यानी कि जो फर्स्ट डे होगा ना उसे हम ज्यादा वेटेज देंगे और जो फिफ्थ डे होगा उसे सबसे कम वेटेज दी जाएगी अगर हम 5 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। हालांकि इसके पीछे का रीजन जो है, जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, ये तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से हम और किस वजह से जो है हम इसमें जो लेटेस्ट डे होता है ना उसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, बट इसकी मैथ्स की कैलकुलेशन के पीछे ना जाकर, क्योंकि देखो जो भी आप सॉफ्टवेयर टेक्निकल एनालिसिस को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करने वाले ना, उसमें आपको ऑटोमेटिकली जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो पूरा चार्ट या पूरा इंडिकेटर है ना वो ऑलरेडी मिल जाना है, तो इसके मैथ्स के पीछे हम बिल्कुल नहीं जाते। अब इसे हम कुछ और तरीके से डिटेल में समझते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक चार्ट है जिसमें रेड वाली जो कैंडल है वो है 46 डे मूविंग एवरेज यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, और जो ब्लू वाली लाइन है वो है 46 डे मूविंग एवरेज यानी कि वो है 46 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप देखो कि दोनों ही 46 डेज की मूविंग एवरेज है, सिंपल भी और एक्सपोनेंशियल भी, बट फिर भी हमारे को यहाँ पर जो वैल्यूज देखने को मिल रही है ना उनमें हमारे को काफी फर्क देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होती है प्राइसेस की, क्योंकि उसमें लेटेस्ट प्राइस को जो है ना ज्यादा वेटेज दी जाती है, इसलिए वो प्राइस के क्लोजर जो है चल रही है, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज में हमारी वेटेज जो है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर होकर चल रही है प्राइस से, एक्चुअल प्राइस से। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है हेल्प करती है किसी भी ट्रेडर को क्विक ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए, यानी कि अपने ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो जल्दी जल्दी ले सके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ट्रेडर ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। अब हमने ये तो समझ लिया कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, अब हम इसकी एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन को देखते हैं। अब मूविंग एवरेज जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने में किसी भी ट्रेडर को हेल्प करती है,
अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज को किस टाइप से निकाल सकता है। अब जब कोई स्टॉक जो है एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेडर जो है इसे महंगे रेट पर लेने के लिए तैयार तो बैठे हैं, और जब वो महंगे रेट पर लेने के लिए तैयार तो बैठे हैं तो यानी कि प्राइस जो है वो उनको लगता है कि प्राइस जो है वो अभी और ऊपर जाएगा। तो इसीलिए जो भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहता है ना उसको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी चाहिए। उसी तरह से जब कोई स्टॉक का प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है तो वहां पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी और नीचे के लेवल जो है हमारे को देखने को मिलने वाले हैं, तो वहां पर हमारे को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना चाहिए कि यहाँ पर अब हम सेल करेंगे क्योंकि प्राइस जो है अभी भी नीचे जाता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे को बेचकर जो है ज्यादा मुनाफा बनने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम इसे चार्ट पर देखते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से हम एक सिंपल 50 डे मूविंग एवरेज लगाएंगे और उसके बेसिस पर देखेंगे कि किस टाइप से हम जो है ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे को बाय करना है यानी कि लॉन्ग पोजीशन बनानी है जब करंट मार्केट प्राइस जो है 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाएगा। यानी कि जब वो जब प्राइस जो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करेगा तो वहां पर हमारे को बाय करना है, और उसमें हमारे को अपनी पोजीशन तब तक बनाकर रखनी है जब तक वो प्राइस जो है 50 डे मूविंग एवरेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं देता। और सेकेंड हमारी यही कंडीशन है कि हमारे को उस लॉन्ग पोजीशन से यानी कि अपनी पोजीशन को जो है हमने स्क्वायर ऑफ कर देना है जैसे ही प्राइस जो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गिरता है। अब आप लोगों के सामने एक चार्ट नजर आ रहा है जिसमें ब्लू लाइन जो है डिपेक्ट करती है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को दो तीन पॉइंट्स मिले हैं जहां पर हम यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। अब जैसा कि आप TCS के चार्ट में देख सकते हो कि अब हमारे को यहाँ पर सबसे पहले तो इस डेट पर 6 दिसंबर 2021 के आसपास हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, बल्कि इससे पहले भी हमारे को 1 दिसंबर 2021 को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसके बाद हमारी वो पोजीशन एग्जिट हो गई 6 दिसंबर को, फिर उसके बाद हमारे को 7 दिसंबर को दोबारा एक पोजीशन देखने को मिली जो हमारी एग्जिट हो गई यानी कि स्टॉप लॉस हो गया हमारा वो 20 दिसंबर को। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन जो है हमारे को फिर से 21 दिसंबर 2021 को देखने को मिली, बट अब यहाँ से हमारे को काफी बड़ा मूव देखने को मिला। तो अब आप देखो कि यहाँ पर हमारी पहली बाइंग मिली 1 दिसंबर को लगभग 3580 रुपए के आसपास, 3577 रुपए की, और हमने एग्जिट करा उसे 3536 रुपए का, यानी कि यहाँ पर हमारे को लगभग 35 रुपए के आसपास का लॉस हो गया। उसके नेक्स्ट हमने पोजीशन बनाई फिर से 3584 रुपए के आसपास और एग्जिट करा 3556 रुपए के आसपास, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर भी हमारे को लॉस हुआ। लेकिन जब हमने थर्ड अपनी पोजीशन बनाई 21 दिसंबर 2021 पर 3608 रुपए पर, बट वो एग्जिट कहाँ पर हुई हमारी, 3608 पर हमने पोजीशन बनाई थी और एग्जिट करा हमने उसे 3769 यानी कि 3770 के आसपास। तो यहाँ पर अब हमारे को यहाँ पर लगभग 170 रुपए 160 रुपए की मूव देखने को मिली। अब इससे आपको क्या समझ आया कि पहले दो ट्रेड जो थे वो हमारे नॉट सो प्रॉफिटेबल, इनफैक्ट वो हमारे लॉस में ही गए थे, लेकिन जब हमारे को थर्ड ट्रेड मिला उसमें हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है देखने को मिला। हालांकि वो शेयर जो था और भी ऊपर तक गया था, बट हमारे को अगर हम मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है, इसे आप अपने हिसाब से 50 की जगह 10, 29 जो भी आप रखना चाहे वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की तरह से समझा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को लगभग 160 पॉइंट्स देखने को मिले थे। अब इससे हमारे को मूविंग एवरेजेस के बारे में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है देखने को मिलती है, और वो ये है कि मूविंग एवरेजेस ब्रिलियंटली काम करते हैं जब ट्रेंड एक एस्टेब्लिश हो चुका हो, लेकिन साइडवेज मूवमेंट में जो है वो फेल हो जाते हैं। तो इससे अब हम समझ सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस जो है एक ट्रेंड बेस्ड सिग्नल है जिसे हम ट्रेंड के हिसाब से पकड़ कर काम कर सकते हैं, और वहां पर अगर ट्रेंड एस्टेब्लिश होगा तो हमारे को ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को देखते हैं मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड, कि मूविंग एवरेजेस आपको बहुत सारे ट्रेडिंग सिग्नल्स यानी कि बाय और सेल के सिग्नल देंगे साइडवेज मार्केट में, जिसमें से काफ़ी सारे जो है सिग्नल मार्जिनल प्रॉफिट्स में भी हो सकते हैं अगर लॉस में नहीं भी हुए तो, लेकिन उनमें से कुछ एक या दो ट्रेड ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न जो है देकर जा सकते हैं। लेकिन अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमने कौन से मूव को पकड़ना है और कौन से को अवॉइड करना है, क्योंकि हमें तो ऐसे पता ही नहीं चलने वाला। तो इसलिए ट्रेडर को जो है जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसे बाय करना है और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आएगी उसे सेल करना है, लेकिन ये चीज याद रखना कि लॉसेज आपके मिनिमम होने चाहिए, बट जब कोई एक बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा ना तो उसके बाद वो आपके सारे लॉसेज जो है वो कंपनसेट कर देगा
इनफैक्ट आपको काफी ज्यादा सफिशिएंट प्रॉफिट्स भी देकर जा सकता है। और जब तक ट्रेंड चलता है तब तक आपको अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड करके रखनी है, और जैसे ही हमारे को सिग्नल मिलेगा यानी कि एग्जिट का सिग्नल मिलने वाला है तभी हम वहां से उस ट्रेड से जो है एग्जिट कर जाएंगे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके। अब इस प्रॉब्लम से पार पाने का क्या तरीका है, इसमें हम एक काम कर सकते हैं मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को यूज करके। अगर हम सिर्फ एक मूविंग एवरेज पर काम करेंगे ना तो हमारे को यहाँ पर साइडवेज मार्केट में भी काफी सारे सिग्नल देखने को मिलने वाले हैं, और जिसकी वजह से हमारे काफी ज्यादा ट्रेड हो जाएंगे, और उसमें आप लोगों को पता ही है कि चार्जेस जो है काफी ज्यादा लग जाते हैं। जिसको ओवरकम करने के लिए हम जो है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, जो एक प्लेन वनीला मूविंग एवरेज सिस्टम से काफी ज्यादा बेटर होता है। और इस मूविंग एवरेज सिस्टम को जो है ना वो और इम्प्रोवाइज करके हमारे को कम ट्रेड देता है, साइडवेज मार्केट में बिल्कुल अवॉइड करवा देता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है दो मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशन लेकर काम करने वाले हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो कोई है जो 50 दिन की और 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से काम कर सकता है, कोई 100 और 200 को लेकर कर सकता है, कोई 20 और 50 को लेकर कर सकता है, 25-50 को लेकर कर सकता है। ये सब चीजें जो है ना आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोगों को पता चल जाएगी कि किस टाइप से आपको यहाँ पर काम करना है और कौन सी मूविंग एवरेज जो है आप लोगों के लिए ज्यादा सेट और ज्यादा बेटर बैठती है। अब जो कम टाइम वाली मूविंग एवरेज होगी ना वो कम डेटा पॉइंट्स लेगी, जिसकी वजह से वो प्राइस के ज्यादा पास होगी एज कम्पेयर टू जो जो लॉन्गर मूविंग एवरेज है। तो इसी वजह से जो शॉर्टर मूविंग एवरेज होगी उसमें जो है रिएक्शंस काफी क्विकली आने वाले हैं, जबकि लॉन्गर मूविंग एवरेज में जो है हमारे को रिएक्शंस काफी स्लो देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि अब हम रिलायंस के चार्ट पर देखते हैं, और दोनों मूविंग एवरेज मैंने 50 डे मूविंग एवरेज और यहाँ पर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ही एक्सपोनेंशियल है तो दोनों मैंने लगा दी है, जिसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को कितने कम जो है ट्रेड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारी जो ब्लू लाइन है वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो रेड लाइन है वो है 100 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर हमारे को चाहे ट्रेड जो है वो कम देखने को मिलेंगे बट चांसेस जो ट्रेड मिलेगा ना वो काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है, और इस चीज के प्रॉफिटेबल होने के ना जो चांसेस है वो क्वाइट हाई हो जाते हैं। सबसे पहले अब हम एंट्री और एग्जिट रूल्स को देखते हैं कि पहला रूल है आपको हमेशा बाय करके चलना है जब आपको शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिले, यानी कि जब हमारी ब्लू वाली लाइन रेड लाइन की क्रॉस करके ऊपर जाएगी ना तब हमारे को यहाँ पर बाय की पोजीशन बनानी है, और उस ट्रेड में जो है ना हमारे को बने रहना है जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और रूल नंबर टू है कि हमारे को अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर देना है जैसे ही ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे काटेगी। अब इसी का एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने एस्ट्रल के चार्ट पर लेकर आता हूँ, और एस्ट्रल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दोनों मूविंग एवरेजेस लगा दी है और यहाँ पर अब हमारे को ट्रेड मिला और वो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्रॉस ओवर आया और यहाँ से हमने एग्जिट करी ना तो आप देख सकते हो क्योंकि उसने हमारे को पहले ही इंडिकेट कर दिया कि यहाँ से अब जो करंट मार्केट प्राइस है ना वो गिर सकता है, जिसके बाद हमारे को यहाँ पर एग्जिट देखने को मिली और उसके बाद हमने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जो था अपना रिजर्व करके वहां से बाहर निकल के इससे पहले कि हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। अब ये मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए ये आप लोगों के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर होगा ना वो उतनी पास की मूविंग एवरेज रखेगा। अब कई लोग जो है जो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो 5 दिन और 10 दिन के हिसाब से काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप 9 दिन 18 दिन 10 दिन 20 दिन 20 दिन 25 दिन इस टाइप से जो है आप अपनी अपने हिसाब से अलग अलग उनके कॉम्बिनेशन पर ट्राई करो, जिसपे आपको ज्यादा सेट बैठे जिसपे आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिले ना आप उस कॉम्बिनेशन को सेट करो और उसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग करो उसकी बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद अगर वो आप लोगों के हिसाब से सेट बैठती है तो आप जो है उस पर ट्रेड कर सकते हो और उस पर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। बट उससे पहले आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग करना और उसकी बैक टेस्टिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मूविंग एवरेज का जो फ्रेमवर्क है ना ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है, और आप लोगों ने मार्केट में ना एक चीज जरूर सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ये उसी फ्रेंड को फाइंड आउट करने में आपकी लोगों की हेल्प करता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मूविंग एवरेज जो है एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, और जब तक आप जो है आपकी पोजीशन जो है वो ट्रेंड के हिसाब से तब तक आपको मुनाफा मिलेगा, और जैसे वो ट्रेंड से बाहर हो जाएगी यानी कि जब तक एक मार्केट ट्रेंड में चल रही है यानी कि अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि एक किसी न किसी ट्रेंड में चल रही है तब तक आपको वहां पर काफी सारे सिग्नल्स और काफी सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली, और जहां पर मार्केट जो है साइडवेज मूवमेंट यानी कि एक रेंज के बीच में आ जाती है वहां पर ये स्ट्रेटेजी ये इंडिकेटर जो है फेल हो जाता है।
और जब भी हम मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन लेकर करेंगे ना, उसमें हमारे को एक तो कम ट्रेड देखने को मिलते हैं, ऊपर से ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो, बट अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है मिलने वाले हैं। तो ये था दोस्तों मूविंग एवरेजेस के बारे में सारा कुछ, सारी डिटेल जो थी कि आप किस किस टाइप की मूविंग एवरेजेस होती हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेजेस में से किस टाइप से उनका फ्रेमवर्क होता है, किस टाइप से वो काम करती हैं, उनके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, और इन दोनों मूविंग एवरेजेस में से बेटर कौन सी होती है, ये सब चीजें हमने आज की वीडियो में डिस्कस करी। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी कंसेप्ट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी रहती है ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी इंटरेस्टिंग और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूँ इजाजत, बाय बाय एंड टेक केयर।